कमी नहीं खजाने में, और तीन लोक बस्ती में बसाए, और आप बसे वीराने में। आइएगा, एक एक शब्द इस भजन का चुन चुन करके लिखा हुआ है, अगर ये दिल को छू जाए तो बाद में ताली चाहूंगा जिसने इस भजन को लिखा है, और यही कहना है, जमाने के नसीबों का तू भोला फैसला करता है, तेरा दर छोड़ दूं कैसे, तेरा दर छोड़ दूं कैसे, जमाने के नसीबों का, जमाने के नसीबों का तू भोला फैसला करता है, तेरा दर छोड़ दूं कैसे, तेरा दर छोड़ दूं कैसे। और मीठा मीठा की भस्मी अंग ना दिया संग, गले सर्पों की माला है, गले सर्पों की माला है। और सुनिएगा, भाल पे चंद्र जटा में गंग, भाल पे चंद्र जटा में गंग, मस्त ये डम रुवाला है, मस्त ये डम रुवाला है, वो अखिलेश्वर तेरे दम से, ओ भूतेश्वर तेरे दम से, ये सांसें मेरी चला करती है, तेरा दर छोड़ दूं कैसे, तेरा दर छोड़ दूं कैसे। ताली बजा करके खुद विष का प्याला है, पिया खुद विष का प्याला है। एक बात बताइएगा, जब समुद्र मंथन हुआ, क्या हुआ मीठा, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें कितने रत्न निकले पता है किसी को? नहीं पता किसी को? जब समुद्र मंथन हुआ उसमें निकले 14 रत्न, ऐरावत हाथी निकला इंद्र ले गया, लक्ष्मी जी निकली भगवान विष्णु ले गए, अमृत निकला आपस में सभी देवताओं ने बांट लिया, अंत में निकला कोलाहल विष। तो देवता लोग किसके पास पहुंच गए? भगवान भोलेनाथ के पास। और देखिएगा, मेरा भोला इतना भोला उस विष को भी पीने के लिए तैयार हो गया, और जैसे विष को पीने के लिए तैयार हुआ उसी समय गौरा मैया ने भोलेनाथ के कंठ पे हाथ लगाया, कहा भोलेनाथ ये क्या कर रहे हो? अरे आपके हृदय में भगवान श्री राम का वास है। किसका वास है? भगवान श्री राम का। अगर आपने इस विष को पिया तो आपके प्रभु को कष्ट होगा। आज जैसे मेरे भोलेनाथ ने सुना कि मेरे हृदय में भगवान श्री राम है, उन्होंने विष को कहाँ रोक लिया? अपने कंठ में रोक लिया, और एक नाम पड़ गया मेरे भोलेनाथ का, नीलकंठ महादेव की। दिया अमृत देवताओं को, पिया खुद विष का प्याला है, पिया खुद विष का प्याला है। और सभी को पता है सबके माता पिता कौन है? पता है मेरे भोलेनाथ के माता पिता कौन है? ना माता है पिता कोई, पता नहीं किस का लाला है,
ओ अखिलेश्वर तेरे दम से, ओ अखिलेश्वर तेरे दम से ये सारी सृष्टि चला करती है तेरा दर छोड़ दूँ कैसे, तेरा दर छोड़ दूँ कैसे। और अंत में सुनिएगा, बिना सोचे बिना समझे ये बल दे दे ते त्रिपुरारी, ये बल दे दे ते त्रिपुरारी। एक बात बताए आजी मीठा, एक बात बताइएगा, भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान किसके लिए दिया जो अपनी जान बचानी भारी पड़ी? भस्मासुर के लिए। आज भस्मासुर ने तपस्या की, मेरे भोलेनाथ की वरदान मांगा, भोलेनाथ आज मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वही रात का ढेर हो जाए, भस्म हो जाए। आज भोलेनाथ ने नहीं सोचा ये भस्मासुर वरदान कौन सा मांग रहा है, इतना भोला है कह दिया तथास्तु ऐसा ही हो। और जैसे ही भस्मासुर ने माँ गौरा को देखा तुरंत नियत बदल गई, कहा भोलेनाथ अरे जरा देखू तो सही तूने मुझे ये वरदान दिया है, वरदान सच्चा है या झूठा, आज तेरे सर पे हाथ रख के देखता हूँ। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने सुना माँ गौरा का हाथ पकड़ा, आगे आगे भगवान भोलेनाथ माँ गौरा पीछे पीछे भस्मासुर पड़ गया। अब भगवान विष्णु ने देखा वहां भोले आज ऐसा वरदान दिया है जो खुद ही भाग रहे हो। आज भगवान विष्णु ने देखा कि मेरे भोलेनाथ की जान नहीं बचेगी, आज कितना सुंदर रूप बना लिया, कह दो मोहिनी भगवान की जय। आज मेरे नारायण भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने आकर खड़े हो गए। अब तो भस्मासुर भोलेनाथ को भूल गया, माँ गौरा को भूल गया और कहने लगा है सुंदरी मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। कह दी शादी हो जाएगी, शर्त है जैसे जैसे मैं नाचू नाचने में स्टेप रखू वैसे वैसे नाचना पड़ेगा। आज मेरे नारायण भगवान ने उस भस्मासुर की बुद्धि घुमाई और जैसे ही मेरे नारायण भगवान ने नाचना प्रारंभ किया, नाचते 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 जो अपना हाथ अपने सर पे रखा ऐसे ही भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पे रख लिया, भस्मासुर भस्म हो गया। बिना सोचे बिना समझे ये बारी दे दे ते त्रिपुरारी, ओ विष्णु जी बने नारी बचाए आ के भंडारी, बचाए आ के भंडारी। ओ भोले तू तो भोला है, ओ भोले तू तो भोला है, ये तुझसे गौरा माँ कहती है तेरा दर छोड़ दूँ कैसे, तेरा दर छोड़ दूँ कैसे, तेरा दर छोड़ दूँ। और देखिएगा मेरी वाणी ब्राह्म की ओर जा रही है, एक मिनट पीछा, एक बात बताइएगा, हम तुम यहाँ जो गुणगान सुनने के लिए आए हैं किसकी बदौलत आए हैं, किसकी बदौलत आए हैं जी? बाबा की बदौलत, माँ की बदौलत, लेकिन सबसे बड़ी बदौलत पता है कौन सी है? जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं हमारे तुम्हारे भाई, किसकी बदौलत खड़े रहते हैं? अपने धरती माता की रक्षा के लिए, बहनों की रक्षा के लिए, माँ की रक्षा के लिए आइएगा, कह दो सच्चे दरबार की जय। आइएगा।